हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है सबका आज के सेशन में। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज क्वेश्चन नंबर 23 और 24 लास्ट के दो सवाल बचे हैं एक्सरसाइज 7.3 में, उसको खत्म करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, देखिए, साइन स्क्वायर एक्स माइनस में क्या है कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई मेरे पास है साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स और डीएक्स। इस सवाल में सबसे पहली अप्रोच आपको क्या दिखाई दे रही है, डिनोमिनेटर सिंगल है, न्यूमरेटर में दो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं या फिर दो हमारे पास टर्म्स आ रहे हैं, पहले सेपरेट कर लो, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स अपोन में मैं क्या कर लूंगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स, माइनस में क्या कर दूंगा कोस स्क्वायर एक्स अपोन में मेरे पास आ जाएगा वही सेम साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। साइन स्क्वायर से साइन गया, कोस स्क्वायर से कोस गया, इधर बचेगा मेरे पास एक बटे कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स और इधर बचेगा एक बटे साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एक बटे कोस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर होता है डीएक्स हो जाएगा, माइनस एक बटे साइन होता है कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर का माइनस कोट होता है, लेकिन ये प्लस का मेरे पास क्या आ जाएगा कोट एक्स आ जाएगा और प्लस में सी, यही मेरे पास आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर ए शुड बी द राइट आंसर। चलो बहुत सरल थे ये वाला पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, मेरे पास क्या है ई की पावर एक्स है इंटू में वन प्लस को एक्स आ जाएगा और एक हमारे पास है कोस स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू में एक्स मेरे पास है डीएक्स। अब देखो सिंपल सी बात है, इसमें मैं इसको लेट कर लूंगा, देखिए लेट करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्यों लेट करा है, ये यू इंटू वी से कर दूं तो e की पावर x ऐसे की ऐसे x का करेंगे वन आएगा प्लस x ऐसे की ऐसे e की पावर x आ जाएगा और पूरे के बाहर आ जाएगा dx और dt। यहां से क्या कॉमन ले लूंगा मैं e की पावर x ले लूंगा वन प्लस एक्स आ जाएगा इंटू में dx है और dt है, इसलिए मैंने कॉमन लिया क्योंकि ऊपर वाला मेरा बन रहा था इससे, है ना, तो इसकी जगह मैं dt लिख लूंगा तो dt लिख लिया अपोन में कोस स्क्वायर, अब इसको मैंने टी माना है मतलब टी आ जाएगा वन अपॉन कोस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर टी डी टी और सेक स्क्वायर का होता है टेन टी प्लस में सी लिख लूंगा, टी मैंने क्या माना हुआ है वो वापस से रख दीजिए ई की पावर एक्स इंटू में एक्स प्लस में सी, यही मेरा आंसर आ गया, चेकआउट कर लीजिए कौन सा है, बिल्कुल ये वाला आंसर है, ऑप्शन नंबर बी शुड बी द राइट आंसर। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.3 जो पूरी की पूरी फॉर्मूलाज पे डिपेंड थी, तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए, सभी फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बहुत ईजी आप लोगों के लिए एक्सरसाइजेस होने वाली है। 7.4 भी पूरी फॉर्मूलाज पर डिपेंड है तो मैं फॉर्मूलाज भी उसके पोस्ट कर दूंगा 7.4 पढ़ा से पहले और नेक्स्ट क्लास से पहले, और 7.4 को बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि वहां से सवाल भी बहुत आते हैं। चलिए जय हिंद।